हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं ये शानदार दिखने वाला सुपर टेस्टी सौंठ की चटनी, जिसका इस्तेमाल कई तरह के रेसिपीज में होता है। जैसे दही भल्ला हो गया, दही पापड़ी, चाट पापड़ी, समोसा चाट, लगभग सभी चाट में इसका इस्तेमाल होता है। तो कच्चे आम की आज दो रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों। एक बनाएंगे हम ये सौंठ और दूसरे बनाएंगे आम की लौंजी। देखने में ये लग रहा है ना कि इमली का है, पर आज हम बनाएंगे कच्चे आम से। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मैंने चार आम लिए हैं और इसे मैंने छील के इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं। वजन में देखें तो ये 700 ग्राम आम है। और चलिए, पैन रख दिया है मैंने गैस पे। अब हम बनाएंगे इसके लिए थोड़ा सा मसाला। तो थोड़ा सा धनिया के दाना डालेंगे, थोड़ा सा मेथी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक इसमें डाला है मैंने बड़ी वाली इलायची, उसको तोड़ के डालेंगे। और थोड़े से मैंने काली मिर्च के दाने डाले हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया है मैंने और इसको हम लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। करीब 2 मिनट हमें अब इसे भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इतना ही भूनना है हमें। और देखिए ये अच्छे से भून चुका है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप मसाले बनाइएगा। और चलिए इसे हम एक जार में निकाल देते हैं और ठंडा करके पीस लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो इसे हम साइड में रख देंगे और पीस लेंगे। इसी पैन को हम दोबारा रखेंगे गैस पर और चलिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा, मेथी, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 2-3 लाल मिर्च डालेंगे और इसको हम लाल होने तक भुनेंगे। चलिए मिला लेते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम लाल होने तक पका लेंगे। जैसे लाल हो जाएगा अब इसमें डाल देंगे हम आम जो हमने काट के रखा है। और देखिए आम डाल के करीब 2 मिनट इसे भूनना है हमें। भून लेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और 2 मिनट हो गया है दोस्तों। चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं। जो मसाले हमने जार में रखे थे ठंडा होने के लिए, उसे हमने पीस लिया है, उसी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से। और चलिए और भी हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच करीब नमक डालेंगे। चलिए इसे मिला लेते हैं। क्योंकि आम खट्टा है और थोड़ा सा नमकीन करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसको मीठा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, चीनी का भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैंने करीब 150 ग्राम इसमें गुड़ डाल दिया है। अब इसको हम मिला लेंगे। करीब 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें और गैस के फ्लेम को मीडियम करके 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे इसे। इतने में ये बहुत बढ़िया पक जाएगा। और चलिए चेक करते हैं, करीब 7 मिनट हो गया है दोस्तों। और देखिए आम की हमारी लौंजी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल गल गया है क्योंकि कच्चा आम है, अभी इसमें गुठलियाँ इतनी पड़ी नहीं थी। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तेज पत्ता को हम पहले साइड में रख लेंगे और ये चटनी को हम निकाल लेते हैं। ये चटनी आप हफ्ता महीना दिन तक रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप चाहें तो चटनी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं सौंठ भी बना रही हूँ तो आधी चटनी को तेज पत्ता के साथ ही मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। चलिए इसे अच्छे से पीस लेते हैं। अब उसी पैन में मैंने दोबारा इसे डाल दिया है और थोड़ा सा जो जार में लगा था उसे धो के पानी वानी सब इसी में डाल दिया है और इसको चारों तरफ से छुड़ाते हुए इसको अच्छे से हम चलाएँगे। अब इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मैंने 3 चम्मच करीब चीनी डाला है क्योंकि गुड़ कम होता है मीठा और सौंठ में थोड़ा मीठा ज़्यादा चाहिए, तो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। अब इसको लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए हमें पकाना है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। याद रहे दोस्तों कि इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। और देखिए करीब 5 मिनट हो गए हैं, चटनी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करूँगी, खरबूजे का बीज, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा मैंने
काजू का इस्तेमाल किया है, काट के रखे थे मैंने, और 2 चम्मच करीब डाल दिए हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए सौंठ हमारा बन के तैयार है, गैस को बंद कर दिया है मैंने, और इसको मिला लेंगे। अब ठंडा करके आप किसी भी बर्तन में भर के रखिए और इस्तेमाल करिए। टेस्ट में बहुत शानदार है दोस्तों, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। कलर देख रहे हैं आप कितना सुंदर आया है। बना के इसे स्टोर करके रखिए, महीना दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और चाट पापड़ी, दही बल्ला और कोई भी ऐसी आप चटपटी चीज़ें बना रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल करिए दोस्तों। पूड़ी पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये दोनों चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कच्चे आम की दोनों मज़ेदार रेसिपी हैं दोस्तों, इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें।